हेलो बच्चों, कैसे हैं? आखिरी के 12 दिन बचे हैं, आखिरी के 12 दिन बचे हैं CSET एग्जाम के लिए। क्या मैं क्लियर कर सकता हूं? क्या मैं पास हो सकता हूं? क्या मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं? अगर आप में ये डाउट है तो प्लीज ये वीडियो मत देखिए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो लोग ठान के बैठे हैं, भले ही आपकी पढ़ाई ज्यादा हुई है कम हुई है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जिन लोगों ने इरादा कर लिया है, जिन लोगों ने ठान लिया है कि हमको एग्जाम क्लियर करना है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए? 4 सब्जेक्ट हैं आपके: लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स एंड ये अपना जो वाइवा है, और उसके बाद इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन। वाइवा मतलब कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल। तो बच्चों, पढ़ाई की टेक्निक बड़ी सिंपल है। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, जितना सिंपल आपका स्केड्यूल होगा आपको मार्क्स उतने ज्यादा मिलेंगे। सिंपल स्केड्यूल फॉलो कीजिए। और इस समय अभी फिलहाल में मेरे हिसाब से कोई मैराथन लेक्चर या कोई रिविजन लेक्चर आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत या बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका पूरा दिन वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अगर नहीं सर मुझे देखना है तो प्लीज देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं हमेशा चाहता हूं कि लास्ट मोमेंट पे सेल्फ स्टडी करना सबसे अच्छी रेमेडी होती है बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। तो सबसे पहली चीज सुबह, कल मंडे है बच्चों, पास होना ही, अगर आपने अभी तक भी कुछ पढ़ाई नहीं की तो भी हम ट्राई करेंगे कि आपका नवंबर का एग्जाम क्लियर हो जाए। सुबह 6 बजे उठना है, या सुबह 5:30 बजे आपको उठना है, 6 बजे आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है। सुबह 6 से लेकर 12 बजे तक ये जो 6 घंटे हैं, इनमें से आपको 5 घंटे सिर्फ लीगल एप्टीट्यूड पढ़ना है। 12 से 3 आपको सोना भी है, मतलब 1 घंटे का आप नैप ले सकते हैं, 1 घंटा टीवी देख सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और 1 घंटा खाना। 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का जो स्लॉट है, 7 घंटे का स्लॉट है, इसमें 6 घंटे आपको पढ़ना है लॉजिकल रीजनिंग। तो सुबह लीगल एप्टीट्यूड हो जाएगा, शाम को लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा। ट्यूजडे में फर्स्ट जो स्लॉट रहेगा 6 से 12 का स्लॉट, उसमें इकोनॉमिक्स हो जाएगा। उसके बाद 3 से 9 का जो स्लॉट रहेगा, 3 से 10 का जो स्लॉट रहेगा, उसमें आपका बिजनेस एनवायरमेंट हो जाएगा। थर्ड डे आपका पूरा करंट अफेयर्स, थर्ड डे 10 आवर्स 11 आवर्स, मतलब जो सुबह 6 से 12 है और दोपहर को जो 3 से 9 है, पूरा का पूरा टाइम जो है वो करंट अफेयर्स को रहेगा। नेक्स्ट डे, उसके बाद थर्सडे को आ गए, थर्सडे में फर्स्ट स्लॉट में आपको लेना है इंग्लिश, सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक इंग्लिश, 3 बजे लेकर रात को 9 बजे तक बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है? ये हो गया आपका बच्चों। तो 4 अच्छा, कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल इंस्टीट्यूट ने बेसिकली अपने ऊपर एक अपने खुद को एक लिबर्टी दी है, उनको जो पूछना पूछेंगे। सो बेसिकली जो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ा है वहां से आ जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी तक क्लेरिफाई नहीं किया कि प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल में क्या है। तो बस बच्चों ये स्केड्यूल आपको फॉलो करना है, फिर आपके 4 दिन हो गए। पांचवें दिन आपको सिर्फ MCQ सॉल्व करने, मैंने आपको 10,000 MCQs दिए हैं, आप वो सॉल्व कीजिए। और इंग्लिश, बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड और बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके मेरे फ्री नोट्स हैं आप सब लोगों के पास हैं, तो उन नोट्स को जितना से ज़्यादा हो PDF में सर्कुलेट कर दीजिए। 10,000 MCQs आप लोगों के पास है। जिन लोगों को नहीं मिला, 4x8=30, 4x6 मेरा नंबर, इस पर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके साथ नोट शेयर करूंगा। जो बच्चे हैं मेरे साथ कनेक्टेड, उनकी टेस्ट सीरीज भी रेगुलर चल रही है, आप लोग भी चाहें तो टेस्ट सीरीज के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बच्चों याद रखिए, आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ये सिंपल सा स्केड्यूल आपको फॉलो करना है। दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती। अब ये वक्त ये सोचने का नहीं है कि यार मैंने क्लास नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, कुछ भी नहीं बच्चों। एट प्रेजेंट हर एक व्यक्ति पार है, हर एक व्यक्ति एक सेम लेवल पे खड़ा हुआ है। अभी आपने एग्जाम के 12 दिन पहले जिसने ज्यादा मेहनत कर ली वो क्लियर हो जाएगा। आप अभी तक पढ़ते हुए आए थे, अभी तक नहीं पढ़ते हुए आए थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, बट मैं चाहता हूं कि आखिरी के 12 दिन में ना अपनी पूरी ताकत, तन मन धन की जो भी शक्ति है, सॉरी धन की शक्ति नहीं क्योंकि सेटिंग नहीं होती, बट प्लीज बच्चों अपना हर एक चीज डिवोट कर दीजिए, क्योंकि हमें ये एग्जाम क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चों झोल डाल दीजिए बच्चों अपनी पूरी ताकत, क्योंकि बच्चों पहला स्टेज हमेशा आता है कि भले छोटी सी एग्जाम है CSET, बट हमारे CS कोर्स के जो 3 पायदान हैं उनमें से एक सबसे प्रमुख पायदान है आपका, सबसे शुरुआती पायदान है। अगर ये वाला पायदान आपने क्लियर कर लिया तो अब आपके पास सिर्फ 2 और पायदान बचेंगे जिनमें हम लोग डेफिनेटली मेहनत करके क्लियर कर लेंगे। तो प्लीज आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र गुजारिश है, जुट जाइए बच्चों पढ़ाई में, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, माता पिता की फोटो लगाइए सामने, और वो फोटो आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि जीवन में ऊंचे आसमान को छूना है बच्चों, जीवन में कुछ नया पाना है बच्चों। जुट जाइए बच्चों, मैं आपके साथ हूँ। कोई डाउट्स आते हैं थ्योरी सब्जेक्ट में प्लीज मुझसे पूछिए। और बच्चों मैं आपके साथ नोट्स तो शेयर कर चुका हूँ, मुझे भी बताइए कि आपको नोट्स कैसे लगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू बच्चों।